हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश ऑन आई एम भारती इन टुडेज मिनी प्रजेंटेशन लेट्स ट्रांसलेट समटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश टुडेज फर्स्ट सेंटेंस इज मुर्गा बन जाओ मुर्गा बन जाओ को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मुर्गा बन जाओ को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्राउच लाइका चिकन या फिर क्राउच लाइका रूस्टर क्राउच लाइका चिकन या फिर क्राउच लाइका रूस्टर क्राउच का मतलब होता है टू बैनडाउन लाइक एन एनिमल एनिमल की तरह नीचे झुक कर बैठ जाना और रूस्टर या चिकन का मतलब होता है मुर्गा अगर आपको किसी को बोलना है मुर्गा बन जाओ पनिशमेंट देनी है तो आप उसको बोलेंगे क्राउच लाइका चिकन या फिर क्राउच लाइका रूस्टर नाउ लेट्स मूव ऑन टू अर सेकेंड सेंटेंस बहुत दिनों से दिखे नहीं बहुत दिनों से दिखे नहीं दिखाई नहीं दिए या फिर मिले नहीं अगर आपको कोई बहुत दिनों बाद मिल रहा है या फिर बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है तो आप उसको बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी आप बहुत दिनों से दिखे नहीं दिखाई नहीं दिए आज मिले हो मुझे आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम टुडेज थर्ड एंड लास्ट सेंटेंस इज़ मैं बिगड़े बच्चों से दूर रहती हूँ या फिर मैं बिगड़े बच्चों से दूर रहता हूँ इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टे अवे फ्रॉम स्पॉइल्ड ब्रैट्स आई स्टे अवे फ्रॉम स्पॉइल्ड ब्रैट्स अनरूली रूली चाइल्ड अनडिसप्लिन चाइल्ड या फिर बिगड़े बच्चों को इंग्लिश में हम स्पॉइल्ड ब्रैट्स बोलते हैं जो बच्चे पेरेंट्स का कहना नहीं मानते टीचर्स की बातें नहीं सुनते उन बच्चों को इंग्लिश में स्पॉइल्ड ब्रैट्स कहा जाता है मतलब बिगड़े हुए बच्चे या फिर अनरूली किड्स Today, we translated three sentences from Hindi to English. Thanks for watching. Please do subscribe to my YouTube channel for a spoken English class experience. Don't forget to like my video. Please invite some of your friends to subscribe to my channel. Thank you. Bye for now.